सुभान अल्लाह। बादशाह मर गए कितने, मैं रियाने गया, मैंने कितने लोगों से पूछा अयूब खान की खबर किधर है, उन्होंने कहा हमारे पास टाइम ही नहीं है। 11 साल हुकूमत की है उसने। मैं रोड से गुजरा हरिपुर से, उधर से खानपुर वाले रोड पर, इधर मैं कहा यार बताओ तो सिर का आगे आएगी, इधर आएगी आएगी। मैंने कहा बेजार बड़े हो यार, तुम्हारे इलाके का आदमी था बेजार हो। अब लोगों को क्या, कोई बादशाह है, कोई वजीर है, कोई कुछ है, लोगों को क्या भाई इससे। लोगों को तो उससे काम जिसने कुछ लोगों के लिए किया है। कुछ नहीं समझ आई आप, लोग समझते हम वजीर हैं, वह वजीर हो तो अपने घर मरो। और एक लुत्फ की बात और बताऊंगा आपको, बंदा कहता है कि नेक है कहीं इस पर डटे हुए हैं। मुल्ला अली कारी कहते हैं नेक है तो मखलूक को क्या, क्यों कि नेकी भी तो उसके लिए। एक आदमी रात को 100 नफल पढ़ता है तो दूसरों को क्या भाई, दूसरों को क्या, नहीं समझ आई आपको। फजलुल आलम अलल आबिद की जो वजह बयान की है ना मुल्ला अली कारी ने, वो यही है कि एक आदमी अगर रात को 200 नफल भी पढ़ता है तो दूसरों को क्या। लोगों को तो उससे काम जिसने उनकी जहालत दूर करके उनके सीनों को रोशन किया। कहते हैं ना जी चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, जहे वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा को। बात ये है असल में, फूल इतराता फिरता है कि मैं फूल हूँ, मैं फूल हूँ, मैं फूल हूँ, मुझमें खुशबू भी है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारा होता ही है, तू चमन में है होता है, चमन में फूल होते और फुला तू भी फूल लेते, बागा फूल लगे होंगे ही ने, तकी करिए तेन हूं अगर मैं तको, मैं तकीये तेन किन्ना टुर के आवीए, क्योंकि असि सहराज रहने हाँ ते तेरा बाग साढ़े को 1000 मील दूर है। सानो फुल चाहिए जेड़ा साढ़े सहरा नू बाग बना जाए। समझो भी तो नारा रिसालत सबकी बात, सबकी बात उन्हीं की कर रहा हूं मैं, सबकी बात हो रही है, लेकिन वेले का कौन है ना भाई, ये भी तो समझो ना बुजुर्गो, तुहानू दूजियां दा क्यों शक पै गया, अज ही बैठे हैं गल ओदी करने आ पे, ते उन्हां दे भी मुनकर नहीं है, जो उन्हां दा मौका होंदा उन्हां दी भी करने आ। कमाल हो ने इको दिल ते ना सारा काम करो। उनकी खुशबू के हम कायल हैं भाई, लेकिन आज उनका उर्स नहीं है। आपको बताता हूँ कि इश्तिहार हमने छापे हुए हैं कि आज नौशा पाक का उर्स है। बड़ी मेहनत लगती है भाई इस पर। अल्लामा इकबाल ने कहा नक्श हैं सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर, खूने जिगर के बगैर। एक आदमी मुझे कहेंगे शाह जी तकरीर करते बड़ा जोर लगाते, बड़ा पसीना आता है आपको। मैंने कहा एक दिन पसीना ना आया तो आप सुन भी नहीं सकेंगे। नक्श हैं सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर, और मुझे सब नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। अब तो सड़कें बन गई भाई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बन गई, हजरत भी बना रहे हैं तो बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही, पर नौशा पाक ने जब मजदूरी की बड़ा मुश्किल था, पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता था, आज तो दूध भी मुयसर है, पानी नहीं मिलता था जिस दौर में भाई, सड़कें नहीं थी कैसे गुजर होता, पोली दे कंडियारियां ते बूटे ते औखे रा ते पैदल टुरना ते गड्डियां ते नहीं ना, घोड़े भी नहीं सन बंदियां कोल, गरीबा कोल कितने घोड़े भाई, घोड़े लेने वास्ते ते अंग्रेजा दी गुलामी लोग करते सन, आज घोड़ी पाल मुरबे लबे। मैं कहा तुहाडा प्यो लगदा सी जिहड़ा दे गया जे, नहीं समझ आई। घोड़ी पाल
मैं को जिस गल दे गया वो भी तो दसो ना दिवाने ऐसी मगर दीन घुमाने भी तो तुसी ही हो ना दीन घुमाने समझ आ रही दीवाने बने मैं कहा दीन घुमाने हो ये सबको घोड़ी पाल भी नहीं मिले घोड़ी पाल भी उन्हें मिले हैं जिन्हें पहले उनको पाला है पहले उनको पाला जब कुछ नहीं था पैदल चलना पड़ता था जूते पैर पांव में नहीं और अबले पड़ जाते हैं पानी नहीं मिलता तो वो लंगर लगाता है किसकी औलाद को ताने देता है क्यों बताते उनको करना पड़ती है तुझे शर्म नहीं आई और जिसकी रगों में उसका खून है और आज तो लोगों को रोटी मिलती है जब नहीं मिलती थी वो मुसलमानों ने हिंदुओं को भी अपने घर से खिलाता था उस दौर में भी एक मुल्क था करीब गांव है जुकालियां उसके अंदर था मुनकर था ऐसे ही जला हुआ हस्दी अहलुल्लाह का फतवा दिया उसने इस वस्फ पर कहने लगा ये क्या फकर है कि हिंदुओं को भी खाना खिलाता है ये इस पर भी सवाल हुआ वो फतवे जनाब कोई थोड़े ये अल्लाह वालों फकीरों मोहम्मद रसूल्ला के मजदूरों पर लोगों को बड़ी आदत है शुरू से ही दांत तेज करने की इधर दांत तेज करते हैं आकर कहा ये जी तो समझ तो आई के मुसलमानों को तो खाना खिलाना ठीक है हिंदुओं को खिलाना कैसे ठीक नहीं है कैसे ठीक है आप कैसा सदका करते हैं फरमाया मैं किसी के घर भेजता हूँ या वो लेने आते हैं हाफिज मामूरी फरमाते हैं खलीफा हैं हेला शरीफ में फरमाते हैं मैं उनके घर भेजता हूँ या वो लेने आते हैं और अगर वो लेने आए तो ना दूं तो इससे अच्छा ये नहीं है कि उसको कहो कि ऐसे बनाने की तुम्हें क्या जरूरत है बात समझ नहीं आया फरमाया मुनकरा सूफी का मजहब ये है सूफी का मजहब ये होता है कि जब खिदमत इंसानियत पे आता है तो फिर ये नहीं देखता ये मुस्लिम है ये काफिर है वो ये देखता है बनाया तूने अब मैं खिलाऊंगा और मेरा खाना इसके अंदर तेरी मार्फत पैदा कर देगा और इस पर आपने कौल फैसल देते हुए एक जुमला बोला आज मामूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये बयान मैंने सुना एक आशिक से फरमाते हजरत नौशा पाक ने उसे बिल्कुल साकित कर दिया आपने फरमाया वो जिसका एक टाइम खाना जिसको खिलाने पर नौशा पर तुमने ये फतवा लगाया है उसको बनाने पर अल्लाह पर भी तो कोई लगाओ ना एक टाइम खाना उसका खिलाऊं तो मुझे फतवा लगाओ जिसने बनाया कुछ उस पर भी लगाओगे इतना बुत उसने बनाया किस लिए पहले सूफिया का मसलक देखा आपने वो खानों में खिदमत इंसानियत को खानों में भी तकसीम नहीं करते फरमाया जब वो दरवाजे पे आए मखलूक है खुदा की तो ये मेरे आका की सुन्नत है मेरे आका की प्यार से कहो ना सुभान अल्लाह क्योंकि मैं तकरीर अपने लिए नहीं कर रहा आपके लिए कर रहा हूँ जोर से कहो सुभान अल्लाह तलब ना हो आपको तकरीर की तो करने का कोई मतलब नहीं तो मैंने टाइम पूरा करना है समझ आ गई ना ये होता है सूफिया का मसलक और सूफिया को नहीं समझा इन लोगों ने कहते जी सूफिया तो शिरक फैलाते हैं मैंने कहा जाओ पूछो जाके फ्रांसीसी मुस्तशरिक तो कहता है कि एक हाजी नौशा गंजबख्श ने 200,000 हिंदुओं को मुसलमान किया तुम भी बताओ खान मोहम्मद कुन्नियावाज को तुम कहते हो ख्वाजा ख्वाजगां है अभी इश्तिहार छप रहे हैं खाज गांव बात समझ नहीं आई यार यानी गांव का खाज है खाज गांव
بات سمجھ گئی؟ خاج گاں خان محمد کندیاں والا اگر ولی ہے تو ایسے ولیوں پر لعنت ہے، کیونکہ وہ بھی ولی ہو سکتا ہے بھائی. نواب کا جھوٹ بک رہا ہے، جنگ لندن میں جھوٹ چھاپ رہا ہے، خان محمد کندیاں والے کا اشتہار چھپ رہا ہے پرسوں سے جنگ لندن میں، خواجہ خواج گاں. اور میں گاواں بھی حلال جانور نے،